सो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं चल रहा हूँ आज मुंबई घूमने के लिए। तो दोस्तों, बारिश में पहली बार जो है बाहर निकल रहा हूँ। बाहर बहुत ही कम जो है निकलना हो रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं इस टाइम बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है काफ़ी तेज़, तो बाहर जाना तो हो नहीं रहा है। लेकिन आज चलूँगा। हाँ, कहाँ चलोगे? समंदर के किनारे। तो चलो, अभी चल रहे हैं समंदर के किनारे चलेंगे और पूरा आप लोग को दिखाते हैं। इधर देख रहे हैं जो एरिया है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शांत माहौल रहता है। तो इधर से पूरा चलते हैं आज, जो है कि आप लोग को पूरा दिखाते हैं कैसा है, किस तरीके का माहौल रहेगा, सारा कुछ आप लोग को दिखाएंगे। तो अभी हम लोग रोड पे आ गए हैं, उसके बाद जो है सीधा मिलेंगे समंदर के किनारे। तो दोस्तों, अभी आ चुका हूँ मोनोरेल के ऊपर। मोनोरेल देख सकते हैं, अभी इंतज़ार 6:30 बजे का टाइमिंग है, 6:30 बजे आएगी, तो उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही आती है उस पर जो है हम लोग चलेंगे घूमने के लिए। तो काफ़ी टाइम हो चुका है, तो देख सकते हैं अभी गार्ड क्या है चिल्लाने लगेंगे। इसके लिए मैं थोड़ा सा छुप करके वीडियो शूट कर रहा हूँ। झुक करके ना, थोड़ा वो मोनोरेल में रुकी होगी। हाँ, तो ये मोनोरेल आ गई सीधा, फिर ये इधर रुकी के फिर हम लोग मैच जाएंगे। तो ना, तो अगली बार से ये जाएगी ना, तो हम लोग समुंदर के किनारे पहुँचेंगे ना, तो हम लोग खेलेंगे ना ये। फिर गाड़ी आएगा, फिर मैं गाड़ी ले लूँगा, फिर मैं खेलूँगा समुंदर के किनारे। फिर दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मोनोरेल के अंदर का कुछ इस तरीके का सीन होता है, और चारों तरफ भाई साहब खाली खाली नजर आएगी, कोई भी नहीं बैठा है, सिर्फ हम और हमारे भाई साहब पूरा एकदम। इधर कोई नहीं बैठा है, इधर मैं अकेला हूँ, और इधर नीचे देख सकते हैं ये मतलब ऊपर से चलती है। तो मोनोरेल का सीन कुछ इस तरीके का है। इस टाइम कोरोना महामारी से लोग नहीं आ रहे हैं, तो अभी टैक्सी में बैठ चुके हैं। बैठने के बाद भाई काफ़ी मतलब रात हो गया है, मेरे हिसाब से मतलब सही नहीं था मतलब आना इस टाइम, और कल सुबह आना चाहिए था, आराम से घूमते। लास्ट ट्रेन मतलब 8 बजे की है, तो क्या मतलब होगा कि मतलब फिक्स टाइम होगा 8 बजे हमको यहाँ पर स्टेशन मतलब मोनोरेल के पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ऑटो या रिक्शा मतलब टैक्सी या ऑटो, दो ही ऑप्शन रहेगा। तो इसीलिए मतलब सही नहीं है, मुझे कल सुबह आना चाहिए था घूमने के लिए। तो समंदर हमारे पीछे है, लेकिन हम लोग नहीं जा पाएंगे। तो देख सकते हैं पुलिस अंकल उधर जा रहे हैं, उधर हम लोग गए थे अंदर लेकिन जाने नहीं दिए, क्योंकि अभी कोरोना महामारी चल रही है और बारिश का मौसम भी है। तो उससे क्या होता है, जो समंदर का लहर नहीं होता है वो काफ़ी तेज़ मारता है। तो समंदर देख सकते हो, वो जो ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है वो लाइट के पीछे है पूरा समंदर। और इधर मैं आया था, मैं बोल रहा था कि मैं काफ़ी मतलब थोड़ा सा मतलब गलत टाइम पे आ गया, मैं शाम को मुझे नहीं आना चाहिए था, सुबह आना चाहिए था। सुबह में क्या होता, अच्छे से घूमता पूरा, दिखाता पूरा, शूट करता, लेकिन आया रात को तो काफ़ी दिक्कत हो रही है, शूट नहीं हो पा रहा है कुछ भी नहीं। ये समंदर सामने है लेकिन हम लोग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि भाई नियमों का पालन करना है, तो मना कर रहे हैं। देख रहे हैं ये कार वाले घूम रहे हैं, पुलिस है और इधर भी पुलिस है, वो मना कर रही है अंदर नहीं जाना है। तो भाई काफ़ी मतलब गलत टाइम पे आ गए हम लोग, तो इधर समंदर मतलब पूरा घूमना था तो नहीं दिखा पाऊँगा। तो फाइनली घूम के आ चुका हूँ। हुआ क्या कि थक गया था काफ़ी, थकने के बाद आके सो गया और देखा भी नहीं समंदर को। तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर आप लोग को दिखाऊँगा, क्योंकि इस बार नहीं दिखा पाया, बंद था। और आप लोग भी अगर घूमना चाहते हो तो एक बार ज़रूर किसी से पूछ लीजिएगा, या किसी से जानकारी ले लीजिएगा कि वो मतलब जहाँ जा रहे हो वो खुला है या बंद है, तो आप क्या है जाएंगे तो घूम पाएंगे, देख पाएंगे। तो मैं नहीं देख पाया, नेक्स्ट टाइम ज़रूर आप लोग को दिखाऊँगा। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग यही था, और मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हो दोस्तों फॉलो करिएगा, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।